विशिष्ट अतिथि करण सर, हम सबके चहेते और सम्मानीय वाइस प्रिंसिपल सर और उनकी मैडम, थोड़ी खुशी थोड़े दुख के इस अवसर पर मैं सबका अभिनंदन और नमन करता हूँ। हम जानते हैं हम सबकी मन में तरह तरह की भावनाएं आ रही है, मेरे मन में भी आ रही है। हम उनको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। हम दुखी हैं कि जिनकी वजह से स्कूल हमेशा गुलजार रहा, चाय की नलियां बनती गई, मिठाई का भंडारा चलते रहा, प्रिंसिपल साहब के हनुमान जी रहे और शिक्षकों के संकट हो जाए, बच्चों के आत्मविश्वास के कारण। अब कहिए कि आत्मविश्वास कैसा, मैंने कई बार थोड़े से आनंद लेने के लिए जब किसी बच्चे को पकड़ा और उनको एक डिसिप्लिन के लिए डांटा, तो फिर मैंने कहा कि बोलो जी तुम्हें किसके पास भेज लो, प्रिंसिपल साहब के पास, रमानी मैडम के पास जाएगा या सपन सर के पास भेज लूं, और लास्ट में कहता था कि तिराली सर के पास भेज। बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ रही थी, हम भी हंस लेते थे, बोले कि सर तिराली सर के पास, बोले ठीक है जाओ। वहां डांट के साथ साथ स्नेह भी मिल जाता था। हम एक चाटा लगाया या एक डांटे तो बच्चे को बहुत दुख हुआ, और तिवारी सर ने एक दो लगा दिया हमसे तो ज्यादा ही, लेकिन बच्चे को कुछ पता नहीं चला। ऐसा शरीर में इनका व्यवहार हम शुरू से देखते हैं। दुख तो हमें है कि एक गिरिडीह के प्लस टू के सबसे स्टार्टिंग के और सबसे आज तक के सबसे काबिल मैथमेटिशियन के साथ हम इतने दिनों से पढ़ाते रहे, तो दुख तो है, लेकिन खुशी भी है कि एक यंग हार्ट और एक ज्यादा अनुभवी व्यक्तित्व को आज हमारे बॉस एक नए भावी बॉस के जिम्मे दे रहे हैं, जहां उन्हें अपनी आगे की जिम्मेदारियां निभानी है। नाना नानी का, दादा दादी का, चाचा का, काका का और बहुत सारे काम है, अब उनकी उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दुख तो तिवारी सर को भी होगा और उन्हें ज्यादा दुख सताता होगा कि हमने इस मुकाम तक उस स्कूल को लाया, जो अभी गेरीडीह में सबसे नंबर वन कहा जाए तो उस स्थान पर पहुंचाए हैं। पता नहीं आगे भी क्या होगा, ऐसी भावनाएं आती होंगी, मेरे मन में भी आई थी, तो मैंने प्रिंसिपल साहब से भी ये बातें कही भी, लेकिन प्रिंसिपल साहब का थोड़ा सा विजन ज्यादा लंबा है, वो ज्यादा सोचते हैं और हम भी कभी डिस्कस होते हैं तो सर से ये सलाह ले लिया करते हैं, तो हम लोग तो दो चीज आंखों से देखते हैं, दो आंखों से देखते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सर के पास तो सैकड़ों है। उनके जो विजन था उन्होंने बताया कि देखिए कल आप जाइएगा, आज दिवाली सर जा रहे हैं, लेकिन मैं भी चला जाऊंगा, स्कूल मेरे और किसी जाने वाले से नहीं चलता, जो स्कूल जो यहाँ है और उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और स्कूल बहुत ही अच्छे ढंग से बल्कि और भी ज्यादा मजबूती से चलेगा। उन्होंने कहा एक रॉकेट स्पेस में सैटेलाइट को स्थापित नहीं करता है, आप लोगों ने इस मुकाम तक पहुंचाया है और आगे की जिम्मेवारियां के लिए अगला स्पेस के रॉकेट खड़े हैं, उनका ऑब्जर्वेशन को मैंने याद किया और देखा, और ये मुझे भी सही लगा कि कई रातों की नींद और चैन को ला के बैठे हैं, तो कई आईने में नजरें खुद से मिला के बैठे हैं, जिन्हें सफलता की शिखर तक पहुंचना है वो भविष्य का प्लान बना के बैठे हैं। ऐसे हैं हमारे जो नेक्स्ट जो रॉकेट्स हैं, जो नेक्स्ट लाइंस के जो हैं हमारे कलीग्स हैं, उन लोगों ने अच्छी ट्रेनिंग ली है और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी आने पर और भी ज्यादा सशक्त हो जाते हैं।
मुझे तो खुशी है कि तेरा ऐसा बेटे को भी पढ़ाया, बेटी को भी पढ़ाया, और आज भी उनका छोटा मोटा काम जितनी काबिलियत होगी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके मैडम को भी थैंक यू कह रहे हैं, नमन कह रहे हैं, जो विद्वान तो हैं ही और कबीर जी के विचारों को माननी है और चलती है, और उन्हीं के सौजन्य से हमें भी कबीर जी के मानवता के मैसेज को हमें भी जानकारी देती रही है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे गजल की एक दो लाइनें याद आ रही है, कुछ मैंने भी बताई है, और हम चाहेंगे कि ये आपको जरूर सुकून देगा, आप इसे सुने। आवाज को जैसी भी है मैसेज अच्छा है, और भी भानु सर है तो थोड़ी सी गड़बड़ आवाज को भी ठीक कर देंगे। साथ छूटे गत से मेरा हाथ था, साथ छूटे गत से मेरा हाथ था। क्यों नहीं छूटेगा, आप जानते ही हैं, मैं भी बैठ करता हूँ। साथ छूटे गत से मेरा हाथ था, जब मेरा दिल भीगा बन गया हाथ का। एक बात हमने देखी, सभी लोगों ने बताया भी, मैं भी कभी कभी तो सुनने के लिए चला जाता था, काम रहता था छोड़। आइए बैठिए, कभी कभी तो हमको डांटते भी बोलते थे बैठिए, ऐसी इनकी हमेशा हमारे साथ दीजिएगा। तो अगली पंक्ति है, आपने कदर की सुखरिया आपका, आपने कदर की सुखरिया आपका, आप सदा खुश रहेंगे ये दुआ है सबका, आप सदा खुश रहेंगे ये दुआ है सबका। एक चीज और बताऊं, एक और भी तरीके से हम तिवारी सर से जुड़े हुए हैं। तिवारी सर बक्सर के हैं, और आप सब जान ही रहे हैं कि हरिद्वार और इलाहाबाद के बाद धार्मिक पवित्रता में बक्सर का वैसा ही महत्व है। हम लोग तो छोटे बाबा से मिले हैं, वहां के प्रसिद्ध बाबा जो हैं वो विश्वामित्र जी रहे, वो विश्वामित्र जी का कार्य क्षेत्र जो है बक्सर ही रहा है, जहां राम जी का हायर एजुकेशन हुआ। जब रामचंद्र जी को लाने के लिए वो विश्वामित्र जी पहुंचे थे अयोध्या, तो राम जी को लेके वो चले, और उनकी जो हायर एजुकेशन जो हुआ, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन हुआ, वो आपके बक्सर में ही हुआ। वहां तो सरयू जी थी बक्सर में, गंगा जी के किनारे ही विश्वामित्र जी का कार्य क्षेत्र रहा। वहां 88,000 विद्वानों के साथ वहां यज्ञ और खरंजा कार्यक्रम होता था, जहां की राक्षस लोग जो है उनको परेशान किए रहते थे। तो वहां पर राम जी को जब लाया गया, तो राम जी ने सारी काम तो खुद की, और लेकिन सारा श्रेय अपने गुरु को विश्वामित्र जी को दिया। तो हम लोग एक अपने यहाँ एक दो लाइन में भजन गाते हैं, मैं उसको किसी तरह से सुनाता हूँ, वो भी आपको अच्छा लगेगा। बक्सर नगरिया हम तो जा तो न रहनी, बगल जोड़ी है पहली बक्सर नगरिया हम तो जा तो न रहनी, बगल जोड़ी है पहली हम के बक्सर बगल जोड़ी है पहली कार का सुबह हो हम तो मार को न रहनी, बगल जोड़ी है पहली तो आप लोग जानेंगे कि कैसे कैसे जगह से तिवारी सर हैं, और ये इनके बिहेवियर में हम लोग को स्पष्ट दिखाई देता है। और जब वहां से विश्वामित्र जी लेकर के राम जी को चले थे और शादी के लिए,
तो एक गौतम स्थान जो हमारे छपरा जिला में है, आप लोग गौतम स्थान गौतम ऋषि का, हाँ, तो हम अभी पहुंच रहे हैं। तो जब चले थे तो हमारे यहाँ तो हम हमारे घर से 2-3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से एक नदी है घाघरा, ये वही घाघरा नदी है जिससे एक दो नदियाँ और भी गिरी होगी, तो सरयू नदी जो अयोध्या से चली है वही घाघरा है, और तिराई सर के यहाँ से जो जाती है वो गंगा नदी है, दोनों के संगम है वही आज के रेडियो जयंती हम लोग कहते हैं गौतम स्थान के पास, जहाँ गौतम मुनि का आश्रम था वही माता अहिल्या का उद्धार रामचंद्र जी ने किया। तो अभी भी ये जो तिराई सर जाएंगे और उधर से पहुंचेंगे तो हम उनके स्वागत में वहां भी खड़े ही रहेंगे कि और उनको वहां से साथ करेंगे, और फिर जब हम वहां से भी दोनों साथ होंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि हम करण सर को भी ले लें और जमा को पहुंचें। तो ऐसा है कि तिवारी सर से तो नाता हम लोग का हम लोग बता ही दिए, और मेरी सारी चीजें हम लोग सबकी प्रार्थनाएं हैं, हम ये तो भूलने की कोई बात ही नहीं है, मैंने तो कह ही दिया कि कई सारी चीजें जो है हम लोग बिल्कुल तन मन धन से सर हम स्कूल को आगे ले जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा, और कहीं कोई परेशानी होगी तो हम लोग जरूर ही आपसे पूछ लिया करेंगे, बल्कि करण सर से भी पूछते हैं। और ये काम का तौर बदला है, थोड़ी सी टाइम बाउंड का ये बदला है, लेकिन ये छूटने वाला तो है नहीं, इसलिए ना ये दिए भी छूटेगा, आपकी सलाह लेने से हम लोग पीछे हटेंगे। और लास्ट में तो मैं यही कहूंगा, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, जल पहुँचा देवी मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, जल पहुँचा देवी मैया, जल पहुँचा देवो माई से मिला, जल पहुँचा देवो माई से मिला।